अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों फ्यूचर पेरिंग लाइव की जानब से आपका दोस्त आपका भाई आज़म अली एक बार नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों ने व्हाट्सएप पर मुझे कहा था कि भाई जान फ्री टूल के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने आज सोच लिया है कि मैं फ्री टूल के बारे में अंदाज़ से रोज़ाना एक दो वीडियो जो है वो बनाया करूँगा। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक फ्री टूल लाया हूँ जिसमें आप ऑल कीपैड मोबाइल के जो है वो लॉक जो है वो खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए लाजमी है, स्पेशली जो भाई फ्लैश नहीं करते, दुकानदार हैं या लोकल हैं जो आगे जो है पैसे देकर जो है आप फ्लैश करवाते हैं, तो उससे बेहतर ये कि आप ये फ्री टूल जो है वो यूज़ करें और जो है इसे फ्री में अपने मोबाइल का जो लॉक पिन लॉक है वो रिमूव करें। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो भाई लोकल हैं और उनके मोबाइल को अगर पिन लॉक लग जाता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाते हैं और वहाँ पर 100, 150 या 200 रुपये देकर जो इसका पिन लॉक जो है वो रिमूव कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे जो नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो मैं ऐसी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है लेटेस्ट जो है वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों आज हमारे पास जो है ये दो मोबाइल हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो दोस्तों आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दो मोबाइल हैं, एक E4 है और एक क्लब का A4 TV है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों को जो है वो पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक और ये दूसरे वाला मोबाइल क्लब A4 TV, तो ये आप चेक कर सकते हैं दोनों को लॉक लगे हुए हैं। तो आज हम जो है वो दोनों के लॉक जो है वो रिमूव करेंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक मोबाइल से शायद वो भाइयों के जहन में कोई आए कि यार ये तो हो जाना था, कोई और मोबाइल भी होता, तो इसलिए मैंने दो मोबाइल को इकट्ठे जो है वो लॉक वाले मैं आपको रिमूव करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों आपको मैं उस फ्री टूल के बारे में बता देता हूँ, आपको फुल गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये वाला ये टूल है दोस्तों, कोई 100 MB, 200, 300 MB का या 1000 MB का नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 MB का है। तो मैं आपको पहले हिसाब से इसको चेक करवा देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कितनी MB का है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये 3.89 MB का, बहुत ही स्मॉल ये टूल है और काम बहुत ही काम का टूल है। तो दोस्तों इससे आप तमाम कीपैड मोबाइल के फ्लैश भी कर सकते हैं और स्क्रीन लॉक पिन, जो स्क्रीन पर पिन लॉक लगे होते हैं वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है, वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को नेक्स्ट नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पूरी जो है वो समझ नहीं लगेगी। तो आपने वीडियो को पूरा ही देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ लग सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टूल ओपन करके दिखा देता हूँ। टूल दोस्तों ये वाला टूल है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको टूल के ये नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आपने ये वाला जो फ्लैश टूल का ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसे रन कर देना। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ जो आपको कोई भी नहीं बताता, दोस्तों आपने टूल को ओपन करने से पहले, टूल को जब आप स्टार्ट कर लेते हो विनार से, तो उस वक्त आपने करना कुछ ये है कि आपने जो अपना एंटीवायरस है उसे स्टॉप कर लेना। एंटीवायरस को आपने नहीं चलाए रखना वरना वो आपकी ये फैलें एग्जी खा जाएगा। तो अगर आप ये आपको एंटीवायरस को ऑन रखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये वर्क नहीं करता, कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं करता, एंटीवायरस जो है उसे उठा लेता है। तो उससे बेहतर है कि आपने जो है एंटीवायरस को स्टॉप कर देना। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे हम जो फ्लैश कर सकते हैं, कीपैड मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। एक बात दोस्तों और कि ये इसमें जो है जितने भी पिन या फ्लैश होगा जो भी मोबाइल कीपैड जो वो MT के होना चाहिए, MT के मॉडल के तमाम मोबाइल जो है इससे फ्लैश भी होते हैं, इनका पिन भी रिमूव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फॉर्मेट, तो वहाँ पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर तीन ऑप्शन आगे जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है रीसेट टू फैक्ट्री जो है डिफ़ॉल्ट पर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक बिंदी सी बन जाएगी, यानी कि ये वाला क्लिक हो जाए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने करना यूँ है कुछ, मोबाइल की बैटरी जो आपने पहले निकाल लेनी, बैटरी दोस्तों आपने निकालने के बाद दोबारा डाल लेनी। दोबारा डालने के बाद दोस्तों आपने जो है इसे ओके कर देना। एक बात और दोस्तों कि आपने जो है डाटा केबल जो है अच्छी यूज़ करनी है, जब भी आप फ्लैश करें किसी भी मोबाइल को करें वो डाटा ट्रांसफ़र भी होनी चाहिए, वो अच्छी जो है उसकी स्पीड भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पर आपने ओके का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर लेना है और डाटा केबल जो है आपने उठा लेनी है PC में लगा कर। तो यहाँ पर आपने ये दरमियान वाला बटन दबाए रखना है और ये केबल जो है इसमें
इंसर्ट कर देनी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रनिंग टूल पर शुरू, और जब ये वाला आपको सर्कट दिखाई दे तो समझना कि आपका मोबाइल का पिन जो है वो खुल चुका है। तो मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है स्क्रीन लॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको दूसरे मोबाइल का जो है वो लॉक ख़त्म करके दिखाता हूं। तो दोस्तों आपने इसको भी ऐसे ही कुछ करना है कि इसकी बैटरी एक बार निकाल लेनी, निकालने के बाद दोस्तों आपने दोबारा जो है इसमें लगा लेनी। लगाने के बाद दोस्तों आपने एक दफ़ा फिर जो है फॉर्मेट के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट पर क्लिक करना और ओके कर देना, और केबल उठानी और यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर देनी। तो आप नीचे यहाँ पर चेक कर सकते करना है आपने कि यहाँ पर रनिंग शुरू होगी और ओके का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये दरमियान वाला बटन दबाए रखना और ये केबल इसमें जो है वो इंसर्ट कर देनी। शायद हमने जो है इसकी बैटरी दोबारा निकालेंगे और लगाएंगे, और जो टूल है इसे दोबारा हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपने फॉर्मेट पर क्लिक करना है, ओके कर देना, और ये दरमियान वाला बटन जो है होम की ये दबाए रखनी और क्लिक कर देना। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर रनिंग शुरू हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर का एक सर्कल बन गया है। तो अभी हम जो है मोबाइल को ऑन करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका भी स्क्रीन लॉक जो है वो रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आपने दुआओं में याद रखना है, और वीडियो को जो है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।